पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। और आपको बता दूं कि आईपीएल पर भी कोरोना वायरस का साया देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई सहित राष्ट्रीय महासंघों को ये निर्देश दे दिया है कि अगर कोरोना वायरस के बीच कोई भी टूर्नामेंट होता है तो वो बंद दरवाजे के पीछे हो। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद अब यह पूरी तरह से साफ है कि अगर बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करता है तो उसे इस टूर्नामेंट को दर्शकों के बिना ही आयोजन करना पड़ेगा। ऐसे में इस टूर्नामेंट को अब बंद दरवाजे के बीच ही खेला जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने आईएएनएस से बातचीत में यह साफ कर दिया है कि अगर कोई खेल है जिसे टाला नहीं जा सकता तो उसे बंद दरवाजे के बीच आयोजित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे दर्शक ना आए। वहीं खेल सचिव ने कहा है कि बीसीसीआई सहित सभी राष्ट्रीय संघों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और सलाह का पालन करें। हमने उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा से बचने के लिए भी कहा है और अगर कोई खेल टूर्नामेंट का आयोजन होना है तो उसे बंद दरवाजे के बीच खाली स्टेडियम में किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह राज्य सरकार के ऊपर है जिसे दर्शकों का प्रबंधन करना है और उनके पास इसे रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त है। वहीं अगर इस टूर्नामेंट को टाला नहीं जा सकता तो इसे दर्शकों के बिना ही बंद दरवाजे के बीच आयोजित करना चाहिए। वहीं सरकार के इस निर्देश के बाद अब यह साफ हो गया है कि बीसीसीआई अगर आईपीएल का आयोजन करता है तो इसे बंद दरवाजे के बीच ही कराना होगा। वहीं इस मामले में अब बीसीसीआई अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी सरकार के फैसले का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि बीसीसीआई खेल अपने खिलाड़ियों प्रशंसकों और लीग के हित में सर्वश्रेष्ठ संभव कदम उठाएगा। परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और बोर्ड का वास्तव में इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं है। आईपीएल कार्यकारी परिषद की मुंबई में शनिवार की बैठक होनी है। वहीं इस बैठक में परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला करना है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आरभट न्यूज। अगर आपने हमारे आरभट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए आरभट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।